हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान, आप देख रहे हैं स्टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारे से रिलेटेड जो भी जानकारी हमें मीडिया के द्वारा मिलती है वो आप तक तुरंत लेकर आते हैं। वो अलग बात है कि आपको वो वीडियो पसंद आए या ना आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि जो भी सहारा से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ आती है वो आप तक लेकर आते हैं। कल हमने जो न्यूज़ डाली थी वो न्यूज़ 15 लाख पीड़ितों के भगवान बने सुब्रत राय, कुछ ऐसा हेडिंग उस पर पड़ा था और उनके द्वारा कुछ लंबे लंबे भाषण दिए गए थे सुब्रत राय जी के द्वारा। तो दोस्तों, वो वीडियो कल की जो हमने डाली थी भारी मात्रा में निवेशकों ने देखी और उस पर कुछ निवेशकों के कमेंट आए, वो कमेंट आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के कमेंट आप लोगों के होते हैं जो सारा सुब्रत राय के प्रति हैं। उनके ऊपर जो कमेंट आया है सबसे पहले देवेंद्र तामकर जी का है। देवेंद्र तामकर जी एक बहुत होनहार और सुलझे हुए जीनियस हैं और उनका कमेंट है कि डाकू वाला काम करके गरीबों का मसीहा बनने जा रहा है आधा हरामखोर। यहाँ दोस्तों, ये डाकू बताया गया है सहारा सुब्रत राय जी को और हरामखोर भी यहाँ पर उन्हें बताया गया है। और आगे कहा है उन्होंने कि पहले जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा वापस करे, फिर अपनी कमाई के पैसे से दानी बनना। यहाँ दोस्तों, बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने कटास किया है और उन्होंने सीधा सीधा यही बताया कि दानवीर करण जब बनना, जब निवेशकों का पैसा दे दे। और आगे उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट नेताओं और सरकारी कुत्तों से मिलकर गेम खेलना बंद करो। जी हाँ दोस्तों, दिस करेक्ट। देवेंद्र तामकर जी का कहना जो है बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने कहीं पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी जो कि गलत हो। जो भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो सारा सुब्रत राय पर बिल्कुल स्टिक बैठती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अपने रसूख के बलबूते पर अभी तक जेल से बाहर हैं और पैरोल पे पैरोल बढ़ाई जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकारी कुत्तों से मिलकर गेम खेल रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा है सब बंद कर, खेलना बंद कर। आगे एक और कमेंट हमारे पास आया है जो राम जो धनो जोधन जी का है। राम जोधन जी का क्या कहना है, उनका कहना हमारे चैनल के बारे में है। जो कुछ उनका कहना हमारे चैनल के बारे में है वो हमारी सर आँखों पर है। हम उनकी इस कमेंट से कोई मतलब हमें परहेज नहीं है, उस कमेंट से हमें कोई दुखी नहीं है और उस कमेंट को पढ़ते हुए हमें कोई इस तरह का वो नहीं आता कि ये कमेंट जो है ये हमारे लिए है और इसमें जो भी लिखा है हमारे बारे में लिखा है, जो लिखा है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा है राम जी ने, एसटी न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल का नाम लिखा है एसटी न्यूज़। क्या पागल हो, ऐसे चोर कंपनी का प्रचार कर रहे हो। तो मैं राम जोधन जी के बारे में भाई बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी ऐसे चोर कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो मीडियाओं के माध्यम से आती है, जो हमारे हमें परोसी जाती है वो आप तक हम परोस देते हैं। और उसमें आप हमें पागल कहें या कुछ कहें ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों का करोड़ों रुपया अरबों रुपया इस कंपनी में फंसा है। और ऐसी आलतू फालतू की जो वीडियो हमें मिलती है जो आप तक पहुंचा देते हैं उस पर आपके कमेंट इस तरह के आने स्वाभाविक हैं। और जो भी आपने कहा है हमें कोई इस बात से बुरा नहीं लगा, जो लिखा है आपने अच्छा लिखा है, जो आपकी समझ थी वो लिखा है। आगे कहते हैं कि पैसे के लिए आप कुछ भी वीडियो बना देंगे, 15 करोड़ पीड़ितों का सारा हेडिंग दे दी, हमारा समय खराब कर दिया, खबरदार सावधान कर दिया आपने हमको, अब कभी आपकी वीडियो नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो डालते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी हम जोर डालते हैं आप हमारी वीडियो देखिए। भाई, हम जानते हैं कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों को कुछ न्यूज़ें मिल जाती हैं और कुछ आप लोगों को सुझाव मिल जाते हैं, कुछ ऐसी वीडियो मिल जाती हैं जो सारा सुब्रत राय के द्वारा
प्रचार की जाती हैं तो वो आप तक हम भेजते हैं। हमारा आपसे ये कहना है कि आप इस बात को समझें कि इस वक्त गोद मीडिया आप लोगों की कहीं से कहीं तक कोई हेल्प नहीं कर रही। गोद मीडिया आप लोगों को पैसा दिलाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। हम लोग केवल आपको आपके पैसे के लिए कोशिश ही नहीं करते, बल्कि वो सारे मुखौटे आप तक लेकर आते हैं जो सुब्रत राय के द्वारा वीडियो के माध्यम से निवेशकों के अलावा जो गैर निवेशक हैं उन सबको ये पता चले कि इस वक्त सहारा सुब्रत राय कितने दानवीर करण हैं और कितना कोरोना वायरस की इस महामारी में अपने श्लोक और डायलॉग सुनाते हैं और कितनी उनकी इस वक्त जो न्यूज़ें आ रही हैं वो सिर्फ दानवीर करणों जैसी न्यूज़ आती हैं। तो वो न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम आप तक न्यूज़ पहुंचाना है, और पहुंचाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको देखना है तो देखो, ना देखना है तो मत देखो, आपकी मर्जी है। हमारा काम कंटेंट डालना है। आगे देवेंद्र पांडे जी का एक कमेंट है जो 10 घंटे पहला है, उन्होंने कहा फेंकना बंद कर भुगतान करवा चमचे। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा कमेंट है। ये भी अपनी तरफ से जो भी इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में सुब्रत राय को कहा फेंकना बंद कर, और उनके जो जिसने ये वीडियो डाली थी उस वीडियो वाले से, यानी कि जिसने ये बनाई थी उसके बारे में कह रहे हैं कि चमचे भुगतान करवा। तो ये चमचा भुगतान क्या करवाएगा, ये तो खुद बेचारा चमचागिरी में लिप्त है। तो दोस्तों, इस तरह के जो हमारे पास कमेंट आते रहते हैं इनकी एक भरमार है, जो सहारा इंडिया की कंपनी को चोर बताते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि चोर ही चोर है सहारा इंडिया कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सहारा को इनडायरेक्टली चोर बता दिया है। भाई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ भी तो कोई चोर नहीं होता। सेबी और सहारा के अखाड़े में ये निवेशकों का पैसा जो रुका है वो हम जानते हैं कि सहारा ने 2012 में पैसे अगर लौटा देता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लेता और सेबी को चुनौती ना देता, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती ना देता, और लोगों का पैसा जो अटका है वो इसी की वजह से अटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2011-12 में कि इनका निवेशकों का पैसा दो, लेकिन इनने प्रतिबंधित इकाइयों का पैसा ना देकर कानूनी प्रक्रिया में सेबी को भी उलझाया और निवेशकों का भी लंबा टाइम इसमें खींच दिया। इस वजह से निवेशकों को पैसा नहीं मिल सका, और आज निवेशकों के सामने कह रहा है कि हमारी कंपनी पर प्रतिबंध है, भागरो लगा है, ये है वो है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सारा सुब्रत राय थे कि उस वक्त हम भागरो नहीं लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था कि जल्द से जल्द इनका पैसा दे दिया जाए, बाद में हम भागरो कहाँ से पैदा हो गया ये हम नहीं जान।